हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैडमिंटन खिलाड़ी गोपीचंद के जीवन की किताब से कुछ पन्ने लेकर आए हैं। गोपीचंद का जन्म 16 नवंबर साल 1973 में आंध्र प्रदेश में हुआ। उनको बचपन में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन बाद में 10 साल की उम्र में उन्होंने बैडमिंटन को चुना और उसके बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरे। गोपीचंद केवल अपने शानदार खेल के लिए ही नहीं जाने जाते हैं, उन्होंने देश को साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और श्रीकांत जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी दिए हैं। ये सभी खिलाड़ी उनकी हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में तैयार हुए हैं। घर गिरवी रखकर खोली थी एकेडमी। आंध्र प्रदेश सरकार ने गोपीचंद को बैडमिंटन एकेडमी बनाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन गोपीचंद के पास एकेडमी बनाने के लिए रुपये नहीं थे। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि एकेडमी तो बनानी ही है। इसके लिए गोपीचंद ने अपने घर तक को गिरवी रख दिया था। गोपीचंद ने 5 जून 2002 को अपने साथी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी लक्ष्मी से शादी की थी। अब फोक स्टार स्टूडियोज ने गोपीचंद के जीवन पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। इस पर गोपीचंद ने कहा है कि उन्हें अपनी कहानी साझा करने पर गर्व होगा। गोपीचंद को मिले पुरस्कार। गोपीचंद ने 2003 में बैडमिंटन से संन्यास ले लिया था। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न, साल 2005 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स, यह थी बैडमिंटन खिलाड़ी गोपीचंद के जीवन की कहानी के कुछ अंश। आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।